गांव के लोगों ने सार्वजनिक रूप से शपथ ली। कई जगह पुराने और असुरक्षित शौचालय बने हुए थे जिसे लोगों ने बिना देर किए तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि यह शौचालय भी वास्तव में खुले में गू के समान हैं। बॉर्डर के पास के गांवों में भी काम तेजी से चल निकला था। लोग एक दूसरे की मदद से शौचालय बना रहे थे। गांव के कई लोग और कई यूथ ग्रुप लोगों की मदद को आगे आए जिससे जल्द से जल्द शौचालय बन सके। আমরা সবাই যুবক কাজ করতেছি যে কাদের বাড়িতে পায়খানা নেই তাদের বাড়ি পায়খানা দিব, সাহায্য করবো তাদেরকে। তারা খরচা করেছে, তারা রিং তুলতে পায় না, কতগুলো বয়স্ক লোক তাদেরকে বাড়িতে গিয়ে কিছু ওখানে লাগাইছি। আবার আরও অন্য অন্য ছেলেরা গিয়ে অন্য বাড়িতে কাজ করতেছে, তাদের বাড়ি বাড়ি যাব যে আপনারা যদি না পারেন কাজ করতে আপনারা সব কিছু কিনে দিন, আমরা কাজ করি আপনাদের পায়খানা দিয়ে দেবো, গর্ত খুঁড়তে গর্ত করবো, ঘর বেড়া ঠেড়া যা লাগে আমরা ছেলেরা সবাই এগিয়ে এসেছি, আপনারা দিন আমরা সবাই করে দেবো, কিন্তু তারপরও আপনারা বাইরে পায়খানা করবেন। इसी बीच तरणीकांत बर्मन का एक्सीडेंट हो गया। इस आकस्मिक दुर्घटना की वजह से उन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा, लेकिन हॉस्पिटल से वापस आते ही वो अपने चोटिल पैर के साथ फिर से गांवों में जाने लगे और लोगों को जागरूक करने लगे।
नाजिरहाट 2 कुछ दिनों में खुले में शौचमुक्त होने वाला था, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगने लगा। बात यह थी कि कुछ जगहों पर किन्हीं कारणों से अभी काम नहीं शुरू हो पाया था। जिला परिषद और तरनी बाबू दूसरी पंचायत से कुछ प्रेरकों को ले आए, जो दूसरे गांव को खुले में शौचमुक्त बनाने में लगे हुए थे। उन लोगों ने नाजिरहाट 2 में युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया और हर एक गांव में जाकर उसका जायजा लिया, जिससे सही स्थिति का पता चल सके। कई जगह लोग इस अभियान में शामिल नहीं हो पाए थे। उन्हें समझाया गया, बीमारी धर्म, जाति और जगह नहीं देखती, ना ही यह देखती है कि आप कौन हैं। इसलिए खुद के लिए और गांव के लिए शौचालय बनाना शुरू कर दीजिए। बस इतना कहना था कि उन लोगों ने भी अपने यहाँ काम शुरू कर दिया और जल्दी ही हर घर में शौचालय बनाने का वादा किया। मंदिर हो या मस्जिद, हर जगह स्वच्छता की अलख जल चुकी थी। साफ है कि खुले में शौच जाने की वजह से धार्मिक कामकाज में भी शुद्धता नहीं रहती। এটা মুসলিম সমাজের রায়, এটা আমাদের করতেই হবে। ঘরের মধ্যে যদি বাড়িতে পায়খানা না থাকে, দস্তরখানা যদি না থাকে, বৈঠকখানা যদি না থাকে, পেশাবখানা যদি না থাকে, তাহলে আল্লাহ রহমতের ফেরেশতা সেই বাড়িতে ঢুকবে না। নাজিরহাট 2 মে দিন রাত কাম হোনে লাগা। লগভগ হর জগহ শৌচালয় বন গয়ে থে। जिनके घरों में अभी शौचालय नहीं बने थे, वे लोग अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के यहाँ शौच जा रहे थे, लेकिन खुले में कोई भी शौच नहीं जा रहा था। सभी ग्रामों में महिलाओं और पुरुषों की निगरानी समितियां भी बनाई गईं। ये समितियां अल सुबह और शाम को खुले में शौच जाने वालों पर नजर रखती थीं, और अगर कोई पकड़ा जाता तो उससे जुर्माना भी वसूल किया जाता था। আমি মধ্যপাড়া টেলিটারি সেবরাগুড়ির নজরদারি কমিটির সদস্যরা আমরা সবাই এখানকে। আমরা ভোর 4টাতে নজর করতে প্রতিদিন নজর করতে আসি। কেউ যদি বাইরে পায়খানা করে তাদের 501 টাকা ফাইন করা হয়েছে।
आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ व सुरक्षित वातावरण का निर्माण कर अपने आसपास की ग्राम पंचायतों के लिए एक मिसाल पेश की। जिला परिषद तरनीकांत बर्मन और नाजिरहाट 2 के निवासियों ने मेहनत करके जिस तरह से खुद को खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाया है वो काबिले तारीफ है। तरनीकांत बाबू अपनी ग्राम पंचायत को खुले में शौच मुक्त करने के बाद अब दूसरी ग्राम पंचायतों